आर्मी का एक जवान जिसका नाम बताया जाता है कि हवलदार प्रभाकरण। हवलदार प्रभाकरण तमिलनाडु के रहने वाले हैं, मौजूदा वक्त में कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है, कश्मीर में तैनात है। होता क्या है कि वो एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर सब कुछ बताते हैं, कागज दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे इनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई, मारपीट किया गया। इधर हमने पत्नी की तस्वीर को लगाया है, आप देखिए यहाँ पर पत्नी बैठी हुई है और पत्नी का नाम कृति है। अब प्रभाकरण कहते हैं कि हमारी पत्नी कृति के साथ छेड़छाड़ हुआ, मारपीट हुई। इसके बाद सेना के कई रिटायर्ड अधिकारियों ने इस वीडियो को अपने ट्विटर से डाला, जिसके बाद इंडियन आर्मी तक यह वीडियो पहुंच गई। इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से तत्काल कहा गया कि हम अपने सेना के जवान के साथ खड़े हैं, गलत नहीं होने देंगे। सेना ने क्या कुछ कहा, तो सेना ने कहा कि जो आर्मी फील्ड में तैनात है, जो फील्ड में जो सेना का जवान है, उस इंडियन आर्मी के उन परिवारों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता भारत की सेना देती है। और इसके बाद जो वहां के स्थानीय सेना के अधिकारी थे वो जाकर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और वहां के एसपी से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सेना के जवान के परिवार के साथ गलत हुआ तो आप कार्रवाई तत्काल कीजिए। इंडियन आर्मी कहती है कि हमारे सेना के जवान को लेकर प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ऐसे सेना के जवान के परिवार के साथ खड़ी है। और अब जो वहां के एसपी साहब कहते हैं, एसपी साहब कहते हैं कि सेना के परिवार के साथ एक विवाद है। विवाद क्या, तो किसी पट्टा वाली दुकान को लेकर के विवाद है, इसी विवाद में यह सब कुछ हुआ है। और अब वहां के प्रशासन कह रही है कि मारपीट की बात गलत है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। और इसके अलावा अब तक की खबर के अनुसार कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है। अब आगे